संक्रमण को ध्यान में रखते हुए गरोड़ भाजपा मंडल अध्यक्ष राजेश सेठिया की बेटी प्रार्थना सेठिया ने अपने 18वें जन्मदिवस पर कोरोना वायरस की महामारी के चलते 251 राशन किट और 21,000 का चेक प्रधानमंत्री केयर फंड में सांसद सुधीर गुप्ता के माध्यम से दान दिया। आज मेरे जन्मोत्सव के दिन, जैसे कि देश में कोरोना महामारी चल रही है, उसके चलते मैंने मेरे पापा से निवेदन किया कि मैं गरीबों में राशन बांटूं और पीएम केयर फंड में 21,000 रुपए का दान देके दूसरे गरीबों की मदद करूं। नहीं, बेटी प्रार्थना ये 12th क्लास में पढ़ती है और इसने अपना जन्मदिन समाज सेवा करने के उद्देश्य से मनाया है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी आज इन्होंने 251 परिवारों को और सूखा राशन, ऑयल, साबुन, ऐसा 251 परिवारों को आज इसके जन्मदिन पर इसने भेंट किया। 21,000 रुपए का चेक पीएम केयर को इसने भेंट किया और लोगों को मास्क, होममेड मास्क बनाकर देने का मन बनाया है। एक बेटी के मन में अगर ये भाव है कि अपना जन्मदिन ऐसे मनाना, तो निश्चित रूप से हम सबके लिए प्रसन्नता और खुशी का विषय है और समाज में ये प्रेरणा लेने का विषय है कि कैसे बच्चियों के मन में भी इस दुनिया की सदी की सबसे भीषण महामारी से संघर्ष करने का मन बना है। मैं बेटी को आज जन्मदिन पर शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और ये विश्वास करता हूं कि सारे बच्चे इससे प्रेरणा लेंगे और समाज जीवन में अपने परिवारों को सामाजिक संदर्भों में काम करने की प्रेरणा देंगे। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में कोरोना का कहर जमकर टूटा है। कोरोना संक्रमण में अब तक 7 केस पॉजिटिव आने से पूरे जिले में हड़कंप मच गया है। कोरोना के संकट को देखते हुए पूरे जिले में कर्फ्यू लगा दिया गया है। जिला कलेक्टर मनोज पुष्प ने लॉकडाउन के साथ कर्फ्यू का आदेश जारी कर कोरोना से लड़ने की हर संभव तैयारियां शुरू कर दी है। साथ ही आम जन से घर में बने रहने की अपील भी की गई है। टोटल 3 पेशेंट आ चुके हैं, जिसमें से 2 मंदसौर के हैं और एक पिछले पंथा है और अभी एक पेशोरदा मंडी का आना बाकी है। तो 5 पेशेंट थे, जिसमें से एक महिला बताया जा रहा है, एक महिला की मौत हो चुकी है, उसका ब्लड सैंपल लिया जा चुका है। आज से उपार्जन की कार्रवाई शुरू हुई है और लिमिटेड तौर पे पूरी व्यवस्था के साथ मंडी में भी सौदा पत्रक और अन्य तरीकों से खरीदी की व्यवस्था को प्रारंभ किया जा रहा है। इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स का और जो अपनी सुरक्षा के लिए मास्क लगाने हैं, साफ़ सफाई के लिए हाथ धोने का काम करना है, इसके साथ ये व्यवस्था बनाई जा रही है। मैं सभी किसान भाइयों से, सभी व्यापारियों से, मंडी के जो लोग जुड़े हुए हैं उनसे, जो उपार्जन केंद्र से जुड़े हुए हैं उन सभी लोगों से मेरा ये निवेदन है कि ये प्रक्रियाएं भले ही प्रारंभ की जा रही है, लेकिन आज हमारी पहली प्राथमिकता कोविड ही है। कोरोना वायरस को कंटेन करना, खुद को बचाना, अपने समाज को बचाना, जिले को बचाना, यही हमारी पहली प्राथमिकता है। कोरोना का संकट देश भर में आतंक फैला रहा है। पूरे भारत देश में लॉकडाउन लगा हुआ है, लेकिन ऐसी विकराल परिस्थिति में भी बदमाशों के हौसले बुलंद है। बदमाश अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला नरसिंहपुर के विपतपुरा का सामने आया है। नरसिंहपुर के पास पिपतपुरा के अंडर ब्रिज के पास लाश मिलने से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। युवक की पहचान इमरान खान निवासी रामनगर के रूप में हुई है। युवक के सर पर चोट के निशान पाए गए हैं। हत्या का अंदेशा लगाया जा रहा है। उज्जैन शहर में कोरोना के संकट को देखते हुए आमजन व असहाय लोगों के लिए माय हार्ट संस्था सहारा बनकर उभरी है। संस्था ने लॉकडाउन में करीब 2000 भोजन के पैकेट गरीब असहाय लोगों तक पहुंचाने का जिम्मा उठाया है। माय हार्ट संस्था के अश्विन कासलीवाल ने बताया कि भोजन वितरण करते समय सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखा जाता है। साथ ही संस्था लॉकडाउन शुरू होने से लेकर जब तक लॉकडाउन जारी रहेगा, तब तक जरूरतमंद लोगों को भोजन वितरण करने का कार्य करती रहेगी। मंदसौर जिले के शामगढ़ थाना में सैनिटाइजर मशीन बनाकर दान दी गई है। सुरेश डबकारा बन्नी ने सैनिटाइजर मशीन बनाकर थाना परिषद को भेंट की है। सैनिटाइजर मशीन का उद्घाटन ओम संघवी, डिंपल साप्ताहिक और किरण परिहार ने फीता काट कर किया।
साथ ही मशीन बनाने वाले सुरेश डबकरा एवं उनके साथी का थाना प्रभारी ने माला पहनाकर स्वागत कर उनके कार्य की प्रशंसा करते हुए उनके काम को सराहा है। ये जर मशीन जो है सुरेश जी डबकरा का बनी वाले हैं, वो नए नए इनोवेशन करते रहते हैं और उनकी साइंस टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी पकड़े। उनके द्वारा जो है सेवा भाव के दृष्टिकोण को मद्देनज़र पुलिस थाना सामगढ़ पर लगाई गई है, उसमें समस्त निर्माण उन्हीं के द्वारा किया गया है और उसमें जो लिक्विड जो फिटकरी नीम का अर्क और जो भी लिक्विड वो डालेंगे वो भी उपलब्ध कराएंगे पूरे टाइम। सैनिटाइज मशीन का जो स्थान उन्होंने पुलिस थाना चयन किया है और उसके लिए वो साधुवाद बधाई के पात्र हैं। फ्रंट लाइन पर काम करने वाले लोगों के लिए बड़ी अच्छी सोच है उनकी। सुरेश जी टपकरा बनी वालों को मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। सैनिटाइजेशन का फायदा जो है यहाँ पे आने वाले आम ग्रामीणों को भी मिलेगा और फ्रंट लाइन पर काम करने वाले पुलिसकर्मियों को और जो भी पत्रकार बंधु और अधिकारी आते हैं उनको भी मिलेगा। सर कितनी लागत हुई होगी लगभग, उन्होंने बताया कुछ? मैंने लागत उनसे पूछा नहीं है ना, उन्होंने बताई है, पर उन्होंने बताया था तकरीबन 9,000 रुपये का करीब खर्चा हुआ है सैनिटाइजेशन। अगर पूरी तरह शरीर को कपड़ों को सैनिटाइज कर लिया जाए तो वायरस हमारे बाहरी हिस्से से हट जाएगा जिससे संक्रमण का खतरा टल जाएगा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के आदेशानुसार हमारे देश के यशस्वी पुलिस विभाग अपने परिवार को भगवान के भरोसे छोड़कर डबल टाइम ड्यूटी कर रहे हैं। इनके लिए हम सभी का कर्तव्य है कि हमसे जो भी इनकी सेवा हो सके वह करें ताकि इनका परिवार और ये भी अपना मानव जीवन अच्छे से जी सके और अपना कर्तव्य पालन बिना बीमार हुए निरंतर कर सकें। मैंने अपने स्वविवेक से और मेरे मित्रों के सोशल मीडिया के माध्यम से बताया गया कि साइंटिस्ट आप भी कुछ मशीन वगैरह बनाओ जिससे कोरोना वायरस को फैलाने से रोका जा सके। मैंने तुरंत निर्णय लिया कि 2 मशीन बनाए जाए और वो भी 7 से 12 सेकंड इंफ्रारेड तरंग सिस्टम सेंसर स्विच के ऑपरेट हो जिससे सैनिटाइज लिक्विड का नुकसान नहीं हो। इस मशीन में लिक्विड भी मैं ही अपनी ओर से स्वयं के खर्च से आपूर्ति करूंगा। इन मशीनों में से एक मशीन मैंने पुलिस थाने शामगढ़ में लगाई है और दूसरी मशीन माँ महिषासुर मर्दिनी माताजी मंदिर लगाऊंगा। इस कार्य में मैं एएसआई सर दीक्षित जी ने मुझे मोटिवेट कर उत्साहवर्धन किया। धन्यवाद मित्रों, जय माता दी, जय हिंद। देश में लॉकडाउन के दौरान अनावश्यक घूमने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की जा रही है। इसके साथ ही अवैध तरीके से गलत काम करने वालों पर पुलिस सख्त दिखाई दे रही है। जानकारी के अनुसार बेकमा पुलिस ने कार्यवाही करते हुए 10 पेटी अवैध शराब के तूफान गाड़ी व 2 आरोपी को गिरफ्तार किया है। मुखबिर में मिली जानकारी में सहायक उप निरीक्षक वीरेंद्र सिंह, आरक्षक ज्ञानेंद्र सिंह भदौरिया और आरक्षक कमलेश व मुकेश शर्मा की टीम ने घेराबंदी कर आरोपी को वाहन सहित गिरफ्तार किया है। आरोपी की गिरफ्तारी में पूरी टीम की महत्वपूर्ण भूमिका रही। इंदौर में कोरोना का कहर निरंतर बढ़ता जा रहा है। इस बीच इंदौर में शासन प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। ऐसी ही मुस्तैदी का उदाहरण इंदौर जिले के बेटमा में पदस्थ एक एसआई ने अपने फर्ज और कर्तव्य निष्ठा के प्रति देकर इंदौर जिले का नाम गौरव के साथ पूरे प्रदेश में रोशन किया है। बता दें कि देश में कोरोना बड़ी तेजी से अपने पैर पसार रहा है। इसके साथ मध्य प्रदेश में भी कोरोना की स्थिति घातक बनी हुई है। इसमें इंदौर जिले की हालत काफी नाजुक है। ऐसी स्थिति में इंदौर जिले के बेकमा में पदस्थ एसआई ने अपनी शादी ना करने का निर्णय लिया जबकि युवक की छुट्टी मंजूर हो चुकी थी। बावजूद इसके एसआई ने अपने कर्तव्य को आगे रखते हुए अपनी शादी करने की बजाय देश सेवा करने का निर्णय लिया। बता दें कि एसआई भिंड जिले के दूल्हागंज निवासी है जो बेकमा थाने में बतौर एसआई पदस्थ है। उनका निकाह उत्तर प्रदेश के सिरसागंज की रहने वाली निशा वानू के साथ 15 अप्रैल को होना था लेकिन इस बीच देश में लॉकडाउन हो गया। परिजनों ने आशिक हुसैन को बहुत समझाया लेकिन उन्होंने इससे नकार दिया और कहा कि इस समय उनकी ड्यूटी पर होना ज्यादा जरूरी है, जिसके बाद शादी रोक दी गई। ऐसा ही आशिक हुसैन का कहना है कि अब वह कोरोना से पूरी तरह देश व प्रदेश को मुक्ति दिलाने के बाद ही अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी निभाएंगे। इस पुलिस जवान के हौसले को हिंदुस्तान सलाम करता है। राजगढ़ में समूह महिलाओं ने पीपीई किट का निर्माण शुरू कर पूरे जिले में स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए मास्क का निर्माण शुरू कर विक्रय किया है। जिले में अब स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी समूह की महिलाओं ने उठा ली है।
आजीविका मिशन से जुड़ी समूह महिलाएं ने पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट किट के साथ मास्क बनाने का कार्य शुरू कर दिया है। महिलाओं ने अब तक करीब 80,000 से ज्यादा मास्क का निर्माण कर विक्रय कर दिया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने 16 अप्रैल को कोरोना वायरस से संबंधित मरीजों का आंकड़ा हेल्थ बुलेटिन के माध्यम से जारी किया है, जो कि इस प्रकार है। लैब रिपोर्ट के अनुसार 16 अप्रैल को लिए गए सैंपल में कुल संख्या 1251 है, जिसमें से अब तक 774 सैंपल की रिपोर्ट सामने आई है। इसमें नेगेटिव सैंपल की संख्या 636 है और रिजेक्ट सैंपल की संख्या 112 तथा पॉजिटिव सैंपल की संख्या 26 बताई गई है। कुएं में नहाने गए युवक की डूबने से मौत हो गई। बता दें कि युवक नहाने गया था, पानी गहरा होने की वजह से डूब गया, जिससे कि उसकी मौत हो गई है। युवक की पहचान अरुण पिता ईश्वर लाल दुबे के रूप में सामने आई है। पूरा मामला बदनावर थाना अंतर्गत तिलगारा का सामने आया है। सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पीएम के लिए सरकारी अस्पताल भेज दिया है और घटना की जानकारी शुरू कर दी है। उमरिया पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा ने पाली थाना परिसर में लॉकडाउन के दूसरे चरण में सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करने व व्यापारियों के द्वारा विशेष सुविधा मुहैया कराने को लेकर बैठक आयोजित की, जिसमें SDOP अरविंद तिवारी, TI राजेश चंद्र मिश्रा, नरोजाबाद TI राकेश उइके, CMO आभा त्रिपाठी सहित नगर के व्यापारी संघ पदाधिकारी व सदस्य मौजूद रहे। बैठक में आवश्यक विषयों पर चर्चा कर SP सचिन शर्मा ने क्षेत्र के सभी पुलिस पॉइंट का भ्रमण कर निरीक्षण किया व लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग सहित अन्य व्यवस्था बनाए रखने के दिशा निर्देश भी दिए। थाना पाली अंतर्गत आज CMO नगर पालिका व SDOP साहब के साथ पूरे थाना क्षेत्र का भ्रमण किया गया। सभी मार्केट के पॉइंट्स देखे गए और ये इंश्योर कराया गया कि जो लॉकडाउन है उसका पालन अक्षरशः हो रहा है और कहीं पर भी सोशल डिस्टेंसिंग के जो मापदंड तैयार किए गए हैं उनका उल्लंघन नहीं हो रहा है। उसी के तहत आने वाले समय में जो व्यापार मंडल खासकर पाली का है, उनसे चर्चा की गई कि कैसे आने वाले समय में जनता को बेहतर सुविधाएं और अगर उनके दरवाजे पर उन सुविधाओं को कैसे पहुंचा सकते हैं, उन पर चर्चाएँ की गई हैं। इसके तहत ये लोग अपना खुद ही एक पूरा व्यवस्था निकालेंगे, जिसमें ये लोग वाहन अधिग्रहण करेंगे, लोगों को लगाएंगे, नंबर अपने डिस्प्ले कराएंगे, जिससे कि होम डिलीवरी जो पाली के अंदर है खासकर राशन की, सब्जी की और अनाज की चालू की जा सके। उज्जैन पुलिस ने अनोखी शुरुआत करते हुए फील्ड पर उतरे कोरोना वॉरियर्स के लिए फ्रीगंज क्षेत्र स्थित 3 बत्ती चौराहा पर अभियान चलाया है, जिसमें पुलिस हेल्प डेस्क उज्जैन ने पुलिस कैफेटेरिया मुहिम की शुरुआत की है। इस अभियान के माध्यम से पुलिस हेल्प डेस्क वाहन सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक चलता रहेगा, जो कि जीप में कॉफी, नींबू पानी, कोल्ड ड्रिंक्स उन लोगों को मुहैया कराएगा जो सड़क पर उतरकर लोगों की सुरक्षा के लिए अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभा रहे हैं। कार्यक्रम में उपस्थित सभी पुलिसकर्मी, मीडियाकर्मी, नगर सुरक्षा समिति के सदस्यों ने इस सराहनीय अभियान का पूरा लुत्फ उठाया। अभी उज्जैन में जो संक्रमण के दौरान लॉकडाउन चल रहा है उसको रोकने के लिए पुलिस का काफ़ी बड़ा इंतजाम लगा हुआ है और इस इंतजाम में न कि मतलब पूरी पुलिस व्यवस्था जगह जगह फिक्स पॉइंट पेट्रोलिंग चेकिंग लगे हुए हैं और कई कंटेनमेंट एरिया, लगभग 12 कंटेनमेंट एरिया में पुलिस लगातार 24/7 अपनी सेवाएं दे रही है और इसके साथ में नगर रक्षा समिति के सदस्य भी जुड़े हुए हैं। तो उन सभी के लिए एक नई ये पहल पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार ये की गई है और इसमें मोबाइल कैफेटेरिया प्रारंभ किया गया है। ये जगह जगह जो भी हमारे पुलिस के पॉइंट्स हैं, पेट्रोलिंग पॉइंट्स हैं, जो हमारे नगर रक्षा समिति के सदस्य हैं, उन सभी को मौके पर ही जाके न केवल कॉफ़ी बल्कि एनर्जी ड्रिंक्स जैसे इलेक्ट्रॉल या और भी उसमें जो ड्रिंक्स हैं, लेमन बेस्ड जिसमें विटामिन सी है, जिंक्स है, मतलब कुल मिला के ऐसा न्यूट्रिशन बेस्ड ड्रिंक्स बनाए गए हैं जो उनको एनर्जी भी देंगे, साथ में इस प्रकार के संक्रमण से इम्यूनिटी भी प्रदान करेंगे। तो ये प्रारंभ किया गया है, साथ में एक मनोबल मोटिवेट करने के लिए कुछ हल्के फुल्के जो एक मोटिवेटिंग सॉन्ग्स हैं उनको भी एक मोबाइल पार्टी के माध्यम से गाया जा रहा है।
प्रदेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी कोरोना का कहर निरंतर बढ़ता जा रहा है। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 5 तक पहुंच गया है। जानकारी देते हुए सीएमओ ने बताया कि कन्नौज में अब तक कोरोना से पीड़ित मरीजों की संख्या 5 तक पहुंच गई है। ये आज ये थाना विशुनगढ़ में एक गाँव है बहादुरपुर, तहसील छिबरामऊ, कन्नौज, उसमें एक पेशेंट जो है वो पारस हॉस्पिटल आगरा में इलाज अपना कराने गया था हार्ट के लिए। वो एडमिट था वहाँ पर 4 अप्रैल से लेकर 6 अप्रैल तक पारस हॉस्पिटल आगरा में रहा था। उस पारस हॉस्पिटल में 16 केस पॉजिटिव पाए गए थे। तो वहाँ डीएम आगरा ने हमारे पास ये यहाँ सूचना आई थी हमारे डीएम साहब के पास कि पारस हॉस्पिटल में इन इन पेशेंटों ने इलाज कराया था उस ड्यूरेशन में। तो उसमें जैसे ही हम लोग को सूचना मिली कि ये पारस हॉस्पिटल में इलाज करा के आए हैं, उनको तुरंत पूरे परिवार सहित हम लोगों ने क्वारंटीन के लिए अपने फैसिलिटी पे बुला लिया और उनका सैंपल परसों लेकर के भेजा गया था यहाँ पर सैफई मेडिकल कॉलेज में। आज शाम को उसमें से 5 में से 1 निगेटिव आया है और 3 पॉजिटिव आए हैं और 1 की रिपोर्ट अभी अवेटेड है। पूरे गाँव को मतलब सील कर दिया गया है और हमारी एक्टिविटी शुरू हो गई हैं और पूरा 3 किलोमीटर के रेडियस में सैनिटाइज किया जाएगा और हमारी जो स्वास्थ्य विभाग की टीमें हैं घर घर जा कर के स्क्रीनिंग करेंगी और पूरी एक्टिविटी शुरू हो जाएगी। कितने हो गए सर टोटल? टोटल केस अब तक 4 हो गए हैं, 3 आज आए और 1 पहले से पॉजिटिव था। केवल 5 लोग थे, ये 5 को बुला लिया गया था। अब ये डिटेल हिस्ट्री उनसे लेकर के, क्योंकि यहीं पर एडमिट हो गए हैं, CSC पर कर दिया गया है उनको, डिटेल हिस्ट्री लेकर के उनकी जो भी कॉन्टैक्ट हिस्ट्री होगा उसको ट्रेस आउट करके उन सबको क्वारंटीन कराया जाएगा और उनके सैंपल। इंदौर के मयूर हॉस्पिटल पहुंचा युवक कोरोना से पीड़ित होने से पूरे इंदौर में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार युवक की जांच में पता चला कि युवक कोरोना पॉजिटिव है, जिससे पूरा जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। बताया जा रहा है कि युवक कुछ समय पहले मयूर अस्पताल में भर्ती था, जिसकी कोरोना की रिपोर्ट 13 को पॉजिटिव आई। जैसे ही इस बात का पता चला तो शासन प्रशासन तुरंत हरकत में आया और मरीज को इंदौर अस्पताल में भर्ती कराते हुए पूरे परिवार के करीब 14 लोगों को धार में क्वारंटाइन कर आसपास के 4 किलोमीटर एरिया को सील कर कंटोनमेंट घोषित कर दिया गया है। जैसे सूचना मिली है TI साहब से, तहसीलदार साहब से, तो हमारी नगर पालिका की पूरी टीम आ गई है और ये राम रतन कॉलोनी में ये रहता था, ये जो पेशेंट जो पॉजिटिव निकला है, तो यहाँ पे अभी सबसे पहले तो यहाँ सैनिटाइजेशन करा दिए हैं पूरे कॉलोनी को और इसके रास्ते जो हैं गलियों में मेन मेन मुख्य मार्गों से आने के, तो उसको भी बंद करा दिए हैं और एहतियात के तौर पर ही हमारी टीम भी है और यहाँ दवाई का छिड़काव, सैनिटाइजेशन, बाकी जो चीज़ें हैं सुरक्षा के हिसाब से वो सारी व्यवस्थाएँ यहाँ नगर पालिका से की जा रही हैं। और ये कंटेनमेंट एरिया डॉक्टर साहब बता रहे थे कि 3 किलोमीटर एरिया इसको डिक्लेयर कर दिया है, तो इस पूरे एरिया को सील कर रहे हैं और इस एरिया में कोई दुकानें भी नहीं खुलेंगी और कोई व्यापार, कोई दुकानदार और कोई सब्जी या कोई मार्केट जो है वो भी बंद रहेंगे। कल सभी नागरिकों से अपील है कि व्यवस्था में सहयोग करें। अभी तक पीथमपुर में ऐसी कोई घटना नहीं थी और जो प्राथमिक जानकारी जो मिली है कि ये भी शायद पेशेंट ये जो मिला है पॉजिटिव, ये भी शायद जमात में कहीं गया था, ये भी जमाती है। तो ऐसे शहर में मेरा निवेदन है कि जो भी जमाती जहाँ भी हैं, अगर लोग शामिल हुए हैं, गए हैं, तो वो आके खुद प्रशासन के सामने आ जाएं और बताएं और उनको पूरा प्रशासन की ओर से उनको जो भी ट्रीटमेंट है, इलाज, जो सारी चीज़ें होंगी, वो डरने की घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो आएँगे सामने तो उनका भी बचाव होगा, दूसरे जो लोग हैं उनका भी बचाव होगा। तो ऐसे लोग सामने आएँ और बताएँ, तो उस तथ्य को छुपाएँ नहीं। और नगर पालिका की ओर से सारी व्यवस्थाएँ की जा रही हैं, मुस्तैदी के साथ की जा रही है। हमारी पूरी टीम दिन रात 24 घंटे मुस्तैद है पूरे शहर में सैनिटाइजेशन भी हो रहा है और साफ सफाई सारी व्यवस्थाएं निर्बाध रूप से चल रही हैं प्रशासन के सहयोग से। पुलिस प्रशासन, राजस्व प्रशासन, तहसीलदार साहब, TI साहब का पूरा सहयोग मिल रहा है 24 घंटे और हम लोग निरंतर काम कर रहे हैं। लोगों से, नागरिकों से अपील है कि वो सहयोग करें प्रशासन का, जो हमारे वॉलंटियर लगे हैं, सफाई कर्मचारी, हमारे जो डॉक्टर्स लगे हैं, पुलिस प्रशासन लगे हैं, इनका सबका सहयोग करें। धन्यवाद जी। जिला इंदौर के प्रशासन द्वारा हमको सूचना दी गई थी कि एक मरीज जो पॉजिटिव पाया गया था, जिसने मयूर हॉस्पिटल में अपना पता इंदौर पहुंचा दिया है, ये महू तहसील का लिखाया गया था, अरविंद, वो महू में मिल नहीं रहा और बात
बाकी जो लोग थे इसके साथ सीतमपुर में है, सीतमपुर धार पहुंचा गया 14 लोग जिला प्रशासन के सहयोग से हमने उसको ट्रेस किया। यहाँ पर जो रामरतन नगर कॉलोनी पटेल नगर कॉलोनी है पाया गया, पुलिस प्रशासन द्वारा उसे घर के चारों साइड में पहरा दिया गया और हमने धार जिले से पूरी टीम बुलाई गई हॉस्पिटल की और उसको ट्रेस करके उसने अरविंदो हॉस्पिटल भेजा है और उसके घर वालों को सभी को लगभग 14 लोग हैं उनको क्वारंटाइन सेंटर धार भेजा गया है। आज महू से ये जानकारी मिली थी कि वहाँ के एड्रेस दिया गया था किसी पेशेंट द्वारा और वो यहाँ आया है, तो प्रशासन के साथ मिलकर तहसीलदार साहब CMO साहब के साथ मिलकर एरिया को सील किया गया है, आने वाले जाने वाले मार्गों को बंद किया है और कल पीथमपुर नगर के लिए व्यवस्था बनाई गई है कि इसको पूरे शहर को आवागमन के लिए या इनके संपर्क में लोग ना आए ऐसी व्यवस्था की गई। आरोन में कोरोना वायरस को लेकर नगर में लॉकडाउन का उल्लंघन किया जा रहा है। बता दें कि बैंकों और कियोस्क सेंटरों पर आए दिन लंबी लंबी लाइन लगाकर ग्रामीण जनों द्वारा सरकार के आदेशों व नियमों की धज्जियां उड़ाकर खुद की जान जोखिम में डालकर लंबी लाइन लगाकर लॉकडाउन का मजाक बनाया जा रहा है।